आपने देखा अभी तो अजीत पवार के गुट वाले बोल रहे हैं, एकनाथ शिंदे के गुट वाले बोल रहे हैं कि भाई हमारे 7 सांसद हैं, आपने एक राज्य मंत्री बनाया। अजीत पवार के गुट वाले कह रहे हैं हमें कुछ मिला ही नहीं। तभी तो झगड़े धीरे धीरे शुरू होंगे। आपने मोहन भागवत जी का भी बयान सुन लिया चुनाव के परिणाम आने के बाद, क्या बोल रहे हैं मोहन भागवत जी? कह रहे हैं एक साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर। यह बात मैंने पार्लियामेंट में बोल दी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। मणिपुर हिंसा का ही सवाल मैंने उठाया था जब मुझे सस्पेंड करके बाहर किया इस सरकार ने, प्रस्ताव लेके आया मेरे खिलाफ निलंबन का। और अब वही बात खुद मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। यह एक साफ संकेत है कि आरएसएस और बीजेपी में लड़ाई और टकराहट चल रही है। आपने सुना होगा चुनाव के दौरान नड्डा जी ने कहा था अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। साफ तौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी अलग थी, उसको आरएसएस की जरूरत थी, मोदी की बीजेपी अलग है, इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो पहले तो बीजेपी वाले कहते थे आरएसएस हमारी मातृ संस्था है, आज मां बेटे का भी झगड़ा हो गया। ये मां बेटे का झगड़ा है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं प्रतिपक्ष के साथ सही बर्ताव कीजिए, वो आपके विरोधी नहीं है, वो प्रतिपक्ष है। कभी इस मान्यता में विश्वास रखा प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने? एक एक करके आदमियों को तो आप जेल में डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आरएसएस के प्रमुख का बयान आया है ये भी आपस में एक इनके बीच के झगड़े को प्रदर्शित करता है। एक साल से कितने उहापोह और परेशानी में रही होगी आरएसएस मणिपुर की घटनाओं को देखकर। भले ही चुनाव के कारण वो लोग चुप रहे लेकिन अब बातें निकल के सामने आ रही हैं और बहुत सारी बातें आएंगी। आपने देखा अभी तो अजीत पवार के गुट वाले बोल रहे हैं, एकनाथ शिंदे के गुट वाले बोल रहे हैं कि भाई हमारे 7 सांसद हैं, आपने एक राज्य मंत्री बनाया। अजीत पवार के गुट वाले कह रहे हैं हमें कुछ मिला ही नहीं। तभी तो झगड़े धीरे धीरे शुरू होंगे। आपने मोहन भागवत जी का भी बयान सुन लिया चुनाव के परिणाम आने के बाद, क्या बोल रहे हैं मोहन भागवत जी? कह रहे हैं एक साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर। यह बात मैंने पार्लियामेंट में बोल दी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। मणिपुर हिंसा का ही सवाल मैंने उठाया था जब मुझे सस्पेंड करके बाहर किया इस सरकार ने, प्रस्ताव लेके आया मेरे खिलाफ निलंबन का। और अब वही बात खुद मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। ये एक साफ संकेत है कि आरएसएस और बीजेपी में लड़ाई और टकराहट चल रही है। आपने सुना होगा चुनाव के दौरान नड्डा जी ने कहा था अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। साफ तौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी अलग थी, उसको आरएसएस की जरूरत थी, मोदी की बीजेपी अलग है, इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो पहले तो बीजेपी वाले कहते थे आरएसएस हमारी मातृ संस्था है, आज मां बेटे का भी झगड़ा हो गया। ये मां बेटे का झगड़ा है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं प्रतिपक्ष के साथ सही बर्ताव कीजिए, वो आपके विरोधी नहीं है, वो प्रतिपक्ष है। कभी इस मान्यता में विश्वास रखा प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने? एक एक करके आदमियों को तो आप जेल में डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आरएसएस के प्रमुख का बयान आया है ये भी आपस में एक इनके बीच के झगड़े को प्रदर्शित करता है। एक साल से कितने उहापोह और परेशानी में रही होगी आरएसएस मणिपुर की घटनाओं को देखकर। भले ही चुनाव के कारण वो लोग चुप रहे लेकिन अब बातें निकल के सामने आ रही हैं और बहुत सारी बातें आएंगी।